हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक बार फिर राजनीति शास्त्र अध्ययन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि ये मेरे सीरीज का नवा अध्याय है। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ से संविधान से लेकर अनुच्छेद, सारे अनुच्छेद के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और ये राज्य लेवल के एग्जाम से लेकर सेंट्रल लेवल के एग्जाम तक यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं सिर्फ सिंगल लिनियर क्वेश्चंस ही बताता हूँ, और यहाँ से आप लोग सिंगल लिनियर क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ गुजारिश करना चाहूँगा आप लोगों से, कि आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपकी वीडियो के नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। और साथ ही साथ में बगल उसके स्थान पर बगल में एक बेल का आइकन दिखेगा, एक घंटी का, तो उसे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ देखिए, मैं बता रहा था राज्यपाल की योग्यता के बारे में। तो योग्यता तो हो गई थी, 35 वर्ष होते हैं और विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होता है। और शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आज मैं यहाँ से बताने वाला हूँ आप सबको, ठीक है। राज्यपाल जब अपने पद पर होता है तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब अपने पद पर राज्यपाल बने रहते हैं तो उस समय किसी भी न्यायालय द्वारा उनके लिए उनकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जाएगा कोई। और इसके बाद देखिए अगला क्या है, राज्यपाल के विरुद्ध सिविल मुकदमा चलाने से पहले उसे 2 महीने पहले ही नोटिस देनी होगी। जैसे राज्यपाल के ऊपर अगर सिविल मुकदमा चलाया जाना है तो उससे 2 महीने पहले ही आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, तभी जाकर राज्यपाल के विरुद्ध सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके बाद है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार बन जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, और मैं सिर्फ सिंगल लाइन ही बताते चल रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग खुद समझ लीजिएगा इसमें, नहीं तो कहीं कहीं मैं समझा भी दे रहा हूँ आप सबको। और यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, विधानसभा एवं विधान परिषद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो यहाँ पर देखिए कौन बुलाता है, तो इस तरह से यहाँ पर पता चल जाएगा कि विधानसभा एवं विधान परिषद का अधिवेशन राज्यपाल बुलाता है, और विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार राज्यपाल के ही पास होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनना चाहता हो। तो राज्यपाल बनने की योग्यता में एक चीज़ ये शामिल है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य से वह राज्यपाल बनना चाहता हो। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है, राज्य के द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर सकता है। और जिन राज्यों में विधान परिषद भी है वहाँ राज्यपाल 1/6 सदस्य विधान परिषद में नियुक्त कर सकेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि 1/6 सदस्य विधान परिषद में नियुक्त कर सकेगा जहाँ पर विधान परिषद है। और इसके बाद देखिए क्या है इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 356 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये अनुच्छेद 164 में कहा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए है, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा तेलंगाना की विधायिकाएं द्विसदनात्मक है, अर्थात यहाँ विधान परिषद भी है। मतलब ये सब जो है विधान परिषद एवं विधानसभा दोनों चीज है, जहाँ जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं तेलंगाना में ये द्विसदनात्मक राज्य हैं। इसके बाद देखिए 7 राज्यों में विधान परिषद है, यही 7 राज्य जो हैं जिनमें विधान परिषद है। और विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ये ऐसा रूल है
कि किसी भी विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, मतलब कि एक तिहाई हो सकती है। इसके बाद देखिए आगे जो क्वेश्चन है पूछा गया है, सॉरी अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप लोग साथ ही साथ लाइक भी करते चलिएगा मेरे वीडियो को और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और साथ ही साथ आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी फायदा हो जाए। तो यहाँ देखिए अगला देखते हैं, किसी भी दशा में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है, और अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर है जहाँ विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 36 है। और इसके बाद देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 109 और विधानसभा में 404 सीटें हैं, ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन है पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ देखिए थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, 109 के बजाय यहाँ पर 100 सीटें होंगे जो कि विधान परिषद में हैं उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा में 404 सीटें हैं। और इसके बाद देखिए जो है इम्पोर्टेंट वो है, विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसके बाद है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। और इसके बाद है, विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद का देखिए यहाँ 6 वर्ष होता है कार्यकाल, और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, और गोवा और सिक्किम के में सदस्यों की संख्या जो है 60 से कम है, और सिक्किम जो कि सिक्किम में 32 और गोवा में 40 है। तो राज्यपाल सदन में एक आंगल भारतीय समुदाय से सदस्य नियुक्त करता है, और विधानसभा को भंग करने का आदेश राज्यपाल के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। तो विधानसभा में निर्वाचित होने की आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है, और विधान परिषद में कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। और इसके बाद देखिए ये दोनों कंफ्यूजन वाला बात होता है, अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद में सदस्य बनने की आयु न्यूनतम होती है 30 वर्ष, और विधानसभा में न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है। और किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, इसका निर्णय सिर्फ विधानसभा का अध्यक्ष ही करता है। और इसके बाद सदन की बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों की 1/10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आज का टॉप 25 क्वेश्चंस पूरे हुए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं कल अगले नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।